कारवां टीवी हर पल आपके साथ। दो वक्त की रोटी के लिए दर बदर भटक रहे हैं दो दिव्यांग मुश्ताक अली और नंद किशोर। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये दो बहुमुखी दिव्यांग व्यक्ति हैं जो जन्म से ही दिव्यांग हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए गांव गांव जाकर सब्जी और पान मसाले बेचा करते हैं। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव रानीगंज के रहने वाले दिव्यांग नंद किशोर ने बताया उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, उसके दो भाई हैं मगर वह उससे अलग रहते हैं। ऐसे में अपना पेट पालने के लिए वह गांव गांव जाकर पान मसाला बेच रहे हैं। नंद किशोर ने भावुक अंदाज में कहा, पहले हम कारचोबी का काम करते थे, उसमें हम 150-200 रुपए की मजदूरी कर लिया करते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से उनका वह काम भी उनसे छिन गया। पेट पालने के लिए नंद किशोर ने अपने रिक्शा पर पान मसाला रखकर गांव गांव बेच रहा है और अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है। नंद किशोर ने भावुक होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। नंद किशोर ने कहा उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, वह कहीं गल्ला गोदाम में रहकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। क्या नाम है बेटा आपको? मेरा नाम नंद किशोर नाम है। कौन सी गांव से आती हूँ? मैं रानीगंज से आता हूँ। ये बताइए, आप दिव्यांग होकर ये गांव गांव जाकर बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं? ऐसे 70-80 रुपये मिल जाते हैं, 60-70। तो कब से ये काम कर रहे हैं आप? मुझे 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हो गया। पहले क्या करते थे? पहले काचो भी काम करता था मैं। तो काचो भी काम कहाँ नहीं करते? अब कहीं नहीं कर रहे हैं, काम बंद हो गया है, परेशानी आ गई। कब से बंद हुआ है? कम से हम हो गए जब से लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से काम सब बंद हो गया। तो लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ है या काम पहले से बंद था? पहले था, आज चल रहा था, फिलहाल इसका नहीं था, हल्का था। आपके पिता माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता तो ख़त्म हो गए हैं, मैं छोटा सा था तभी ख़त्म ही गए थे, और माँ को करीब 5-6 साल ख़त्म है। तो भाई है कोई? दो भाई हैं, इस समय अब कौन किसका है, कोई किसी का नहीं, भाई भाई को कोई किसी का नहीं होता है, वे अपने कमा रहे खा रहे, मेरे नहीं देखते हैं। तो मैं अपने जैसे चल पा रहा हूँ, मैं जैसे 4 बजे उठता हूँ और मंदिर जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, फिर मंदिर से आके फिर यहाँ कस्बा में घूमता हूँ। मंडी में ये यही काम करते हो कुछ और करते? नहीं, यही भी बेचता हूँ, कोई काम नहीं। अच्छा बेटा ये बताइए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग शरीर से भी ठीक होते हैं लेकिन दिखावे के लिए विकलांग बन जाते हैं और वो भीख मांगते हैं, क्या आपके दिमाग में कभी आया कि मैं भीख मांग के खाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ ये बात, मैंने ना कभी सोचा, और मुझे अच्छा नहीं लगता भीख मांगना, मुझे मैं अगर भीख मांगूंगा तो मुझे खुद बुरा लगता है, मेरे हाथ पैर जो जैसे हैं मैं अपने कमा रहा हूँ, जैसे कमा रहा हूँ उसे कमा रहा हूँ, 10 बज रहा है 20 बज रहा है मैं अपने हाथ पैर मेहनत करके कमाए खा रहा हूँ। ये बताइए शादी हो गई आपकी? नहीं शादी नहीं। तो ये बताओ हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी से कोई मदद मांगना चाहेंगे? हाँ कृपया करके हमारे थोड़े बहुत सुविधा हमारी करते हैं, हमारे पास रहने को जगह नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारी कर देते हो, 50 एकड़ कहीं दिखवा दें तो हमारी मेहरबानी होगी, पराए घर में रहते हैं हम। पराए घर में रहते हैं? पराए जैसे घर है तो वो कह देते हैं महीना 2 महीना 4 महीना ले रहा हो तो उसके घर में रहने लगते हैं, उनकी इच्छा है जब लोग रहते हैं हटा देते हैं तो फिर आम तक रहने लगते हैं। आप अपना एड्रेस बताओ कहाँ रहते हो? मैं इस समय अभी रह रहा हूँ सरकारी गोदाम है उसमें रह रहा हूँ, उस मकान में जो गल्ला उठता है सरकारी उसमें रह रहा हूँ। किराया वगैरह देते हैं? नहीं नहीं, वो बाबूजी बढ़िया हैं, उन्हें बोले परेशान ज़्यादा हो तो जब गोदाम है तो खाली है, उस कमरा में रह रहे हैं। सामाजिक आदमी से किससे मदद मांगना चाहते हैं, किससे अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएंगे? अब जैसे होगी ना आता है तो अगर वो सुनते हैं तो उनके पास पहुँचा दें। योगी जी से आप मदद मांग रहे हैं? हाँ, इतनी मेहरबानी करके हमें हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं, और मेरे
150 गज जगह मिल जाए मुझे कहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। पानी बचता है तो मैं कहाँ बताओ कहाँ रहूँ कहाँ करके, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, कब से आप ये दिव्यांग हुआ? मुझे कम 35 साल हो गए। तो वहीं हरदुआ के फायतुल्लाह की मुश्ताक अली ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वह पहले लाइट फिटिंग का काम किया करते थे, जब से लॉकडाउन लगा तब से लाइट फिटिंग का काम भी उनके हाथ से चला गया। मुश्ताक अली का कहना है उनके पास कोई जमीन नहीं है, बस रक्षे पर थोड़ी सी सब्जी रखकर गांव-गांव जाकर बेच लिया करते हैं, जिससे दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है। हरदुआ का फैतुल्ला, ये बताइए ये जो काम कर रहे हैं आप कब से कर रहे हैं? देखो कम से कम 2 साल या 3 हो गई। तो मतलब आप दिव्यांग हैं, कब से दिव्यांग हैं? जन्मी से हैं। जन्म से? तो पहले क्या करते थे? बिजली काम करता था सर, बिजली का तुम्हारे आपके और के साथ चल जाता था मैं सर। तो आप बंद क्यों कर दिया? अब सब काम होता ही नहीं है, बंद हो गया। पैरों से नहीं होता, शरीर में चलना है उतरना है। तो कब से ये काम आपने छोड़ा था? हमसे में होगी 5 साल है। 5 साल हो गए। तो क्या लग रहा है आपको अभी, ये कितना बेच लेते हैं आप? 30 किलो 25 किलो ऐसे बिकता है सब। कहाँ कहाँ बेचने जाते हैं? कसबा में बेचता हूँ, हल्द्वा जाता हूँ, गरगैया जाता हूँ, फुल खमड़िया तक चला जाता हूँ सब। मोदी जी ने कोई सहायता करी आपको? कोई सरकार से आपको कोई सहायता मिल रही है? पेंशन मिल रही है सर जी। गल्ला वगैरह? गल्ला नहीं मिल रहा, काम पर लॉकडाउन का सही असर है साहब। पहले लॉकडाउन से पहले 200 रुपये पैदा हो जाते थे, अब तो साहब 100 रुपये पैदा नहीं हो रहे। घर से 30 किलो प्याज लेके आए साहब, जी अभी जितनी बची है साहब 20 किलो बिकी हुई मुश्किल से। प्याज जी कितना प्याज लेके आते हैं? मंडी से लेके आते हैं 1 क्विंटल 50 किलो। कितनी लाग रही है प्याज? 5% से मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी सामाजिक आदमी को क्या मदद चाहते हैं? साहब मदद मिल जाए साहब तो बहुत कुछ है। एड्रेस बताइए कहाँ रहते हैं? हरदुआ का फैतुल्ला। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली। मुश्ताक अली जी। मुश्ताक अली ने अपना दर्द बयां करते हुए कारवा टीवी के रिपोर्टर को बताया कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, उनके लिए बस सरकार द्वारा एक ही सहारा मिला है, वह है विकलांग पेंशन। लेकिन उस विकलांग पेंशन से उस परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। मुश्ताक अली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व सभी समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है। कारवा टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।